शुभ नाम है सुषमा। सुषमा को क्या होता है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को वो कह रहे हैं कि दर्द है आपको। कौन कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है। मैंने कहा मुझे कभी दर्द हुआ ही नहीं है। डॉक्टर ने ब्लॉकेज बताई, स्टेंट डालने के लिए बोला। आपको बोला? नहीं, मेरे को। मुझे बोला। आपको बोला। फिर आपने क्या किया? मैंने बोला कि मुझे नहीं कराना, वैसे मेरे चार चार ऑपरेशन हो रखे हैं, तो इन्होंने मना कर दिया था, तो इनको धमकाया पहले अकेले में। अच्छा, आपके चार चार ऑपरेशन वो हो रखे हैं? हाँ। कौन सा हॉस्पिटल है ये? तो एशियन में करवाया, फरीदाबाद में। फरीदाबाद सेक्टर 21 में। अच्छा, फिर आपको धमकाया? हाँ, डॉक्टर ने धमकाया। क्या बोला डॉक्टर? कह रहा आपको कभी भी अटैक हो सकता है, तो आप बस कर रहे हो। किसकी? इसकी? हाँ, इसकी। अच्छा, महिलाओं को अटैक जल्दी जल्दी आता है? नहीं, कह रहे महिलाओं में प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन होती है, लेकिन आई है प्रॉब्लम, तो स्टैंड डलवा लो। रिस्क क्यों ले रहे हो आप? अच्छा, रिस्क क्यों ले रहे हो? रिस्क क्यों ले रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं करवाना है, जो भी करना है कर लीजिए। स्टंट कितने में डालेगा? मतलब वो जबरदस्ती डालेगा? हाँ, मतलब एंजियोग्राफी कराने के लिए जबरदस्ती करा था उन्होंने। पूरी एंजियोग्राफी कितने की हुई? 12,000 की हुई। तो डॉक्टरों ने अपनी जेब से पैसा दिया था? नहीं नहीं नहीं, फिर पैसा भी हम दे और जबरदस्ती भी सीडी भी मांगी तो सीडी नहीं दी उन्होंने। उनको पता है सीडी कहीं चेक करवा लेंगे हम। अच्छा, वो सीडी कहीं चेक करा लेंगे, वो भी नहीं दी एशियन हॉस्पिटल वालों ने? ऐसा तो इनका तो बड़ा रूखा व्यवहार था, इसका मतलब वो तो पैसे लूट के खाने वाले थे। आपकी सीडी भी नहीं दी है उसकी, क्या बोलते हैं उसको, एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी कभी कहीं दिखा ले और पता चले स्टंट विस्टंट कुछ डलना नहीं था, मामला वो हो गया है। मुझे भी बोला तेजी से, तो कह रहा जाओ निकलो यहाँ से, छुट्टी करो, लिखवा लो दोनों में अभी भी, ऐसा हम लिख के दे देंगे, लिखवा लो दोनों में अभी भी। क्या लिखवा लो? मैंने कहा हम लिख के दे देंगे, हमें अरे क्या लिखवा लो कि आप छोड़ के गए हो? क्या आप छोड़ के गए हो? मतलब रिस्क लेके जा रहे हो आप यहाँ से? नहीं, मतलब तो तुम बताओगे, किसी की मृत्यु तुम्हारे हाथ में है क्या? कमाल की बात है भाई। यहाँ लो पैसे के, डॉक्टरों का हाल देख लो, कमीनों का, हरामियों का ये हाल देख लो। कौन से हॉस्पिटल वाले थे? कौन से डॉक्टर का क्या नाम है? प्रतीक चौधरी। जूते ना मारे तेरे। मैं तो गई नहीं, 20-25 तारीख को बुलाया था मैंने। इतना रूखा व्यवहार डॉक्टरों का किसने बताया? ये क्या देख रहे हैं, क्या कहते हैं हॉस्पिटल वाले? मतलब हम अब पहले एंजियोग्राफी कराई, 12,000 रुपए दी, उसकी रिपोर्ट नहीं थी, अब जबरदस्ती हम क्या कहते हैं वो करा ले, ऑपरेशन करा ले, नहीं कराए वो करा ले स्टैंडल वाले। कितने पैसे में डाल रहा था? अभी पैसे बताए नहीं थे उन्होंने, क्या 25 तारीख को आगे तब बताया। 2.5 लाख बता रहा था, दो से 2.5 लाख रुपए बताया। दो पहले डलेंगे, फिर एक बाद में और डलेगा। कह रहे एक बाद में डल सकता है, बाद में। अच्छा, पहले तीन डाल दो, डाल दो पहले। अगर वो नहीं खुली तो बाईपास सर्जरी भी कर सकते हैं। अगर वो 100% है, लोग नहीं खुली तो मेरे पास कौन सी बार आई है? मेरे को तो 11-12। ये तूने यहाँ आने से पहले कराई थी आंख बंद कर? यहाँ आने के पहले कराई थी इसने, बाद में कराई थी? बाद में कराई थी, बाद में। आंख बंद कर। इसको हृदय में दर्द हुआ था? बहुत पहले हुआ था, बहुत पहले हुआ था। आज जबरदस्ती करके ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन करा। हेल्थ चेकअप कराने गए थे हम तो उसी में। नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराने गए थे और दर्द हुआ था कभी बहुत पहले, और डॉक्टर ने जबरदस्ती वो करा दिया, एंजियोग्राफी करा दी। आपका कार्ड है क्या? हाँ, कार्ड है। तभी तो डॉक्टर भूखा मर रहा होगा इस टाइम, एशियन हॉस्पिटल भूखा मर रहा होगा। है कमीनों की आंखों में शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, बस केवल लालच है, लोभ है। है? जी जी, मतलब जबरदस्ती कर रहा है तेरे से ऑपरेशन कर रही है, लाके मुझे वो ये लेटी ऑपरेशन थिएटर पे, ये ऑपरेशन थिएटर पे लेटी है। हाँ, वो कह रहा है ये साथ साथ ये भी हो जाएगा। केस क्यों नहीं कर दिया आपने? पुलिस केस उसी टाइम वहीं से 100 नंबर पे केस कर फोन करते और ये कहते हैं जबरदस्ती ऑपरेशन करना चाहता है हमारा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। जरूरी है हमारे पास कार्ड हो तो हम एडमिट हो जाए, जरूरी है हमारे पास कार्ड हो तो हम हॉस्पिटलों में अपना ऑपरेशन कराते। फिर कहाँ लगी है बताना जरा, कहाँ लगी झंझन? झंझन कहाँ हो रही है? फिर प्रेत है तुझे, मैं कह रहा हूँ कोई हॉस्पिटल की तुझे जरूरत नहीं है। आगे शरीर कांप रहा है, आंख बंद कर, पैर चला फटाफट फटाफट। ये निकम्मे होते हैं, केवल लोभ के वशीभूत होते हैं, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है। इनकी डिग्रियां फाड़ो, इनके जूते मारो मुंह पे, चेहरे पे, और पिछवाड़े पे मारो लात खड़े करके, मतलब बन के आए MBBS। ये कौन सा तरीका है? क्या व्यवहार था डॉक्टर का? बहुत रूखा व्यवहार था। ये कौन सा तरीका है? कौन सा हॉस्पिटल था? एशियन हॉस्पिटल। डॉक्टर का नाम बता? डॉक्टर प्रतीक चौधरी। प्रतीक चौधरी। और साथ में असिस्टेंट कौन बैठा था? कोई दूसरी डॉक्टर भी थी जिसने भगाया? डॉक्टर सुब्रत था, सुब्रत जो सर्जन था। वो वही रहता होगा ना, परमानेंट वही रखा होगा, रोजाना काटो लोगों को, मरीजों को, इनकी खाल उतार दो, किसी का ऑपरेशन कर दो, किसी का कुछ कर दो। फूक कहाँ लग रही है? सांस चल रही है लंबी। आ जाओ, देखो ये सांस चल रही है लंबी, अभी देखो।
ये हार्ट की प्रॉब्लम भी बता देता हूँ किसके कारण है। चलो हार्ट की प्रॉब्लम वाले को किसके लिए क्या है, क्या नाम है तेरा? नाम क्या? सुषमा। ओम शम शनिश्चराय नमः जोर से पैर मार जमीन पे। ये है डॉक्टरों का, ये जो फूफा है ना अंदर प्रेत, ये डॉक्टरों को पैसे खिलाता है, ये खिलाता है पैसे। एक एक दिन में इतने लोग आ रहे हैं डॉक्टरों के मारे हुए, कुछ हद नहीं। ऊपर से इतना रूखा व्यवहार भी, बैठे हमारे पैसे पे हैं, गद्दी हमारे पैसे पे ली है, की हुजूरी हम करते हैं और ये हमें काटते हैं हमारे शरीरों को और डॉक्टर साहब कहलाते हैं और भगवान कहलाते हैं। ठीक है, मैं हमने निकम्मों को भगवान बना लिया। चलो सभी दुनिया की सबसे गंदी चिकित्सा है, सबसे भद्दी चिकित्सा है, केवल 20% लोगों को इसकी जरूरत होती है, 20% बीमारियों में, और ये 100% के राजा बन रहे हैं। 100% के राजा बन रहे हैं। क्या बोला? इनको साइन करा के भगा दो, क्या लिखवा लो? क्या छोड़ के जा रहे हैं? मतलब हम मर जाएंगे? क्या दिन हो गए तेरे को वहां से आए? मैं 20 तारीख को आई थी, 25 को बुलाया था मैंने, कहा मेरी इनको मैंने बोला मैंने तो जाना नहीं है। आज क्या तारीख है? आई थी 27 को, जिस दिन आपका दाम। आज क्या तारीख है? आज 5 तारीख। तो आज तक जी रही है, कौन सा रिश्ता आ गया तेरी जान? मैंने कहा मैं तो जाना ही नहीं है। अब बता, घबराहट हो रही है क्या? सांस को लेगा से मुंह बंद कर, नाक से कहाँ? अब तो सांस नहीं चल रहा, यहाँ से वहां तक भाग, हटाओ भाई भाग यहाँ से वहां तक, और भाग के आइए, भाग के दीजिए। बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। किसी को हृदय में घबराहट होके मरा हो या कोई प्रेत आपके हृदय पे बैठ के आपको घबराहट करता हो, डॉक्टर को एक ही चीज से मतलब है, छल्ले डालना, आपका ऑपरेशन करना, पैसे खाना और मौज उड़ाना। आपके पैसे से उसकी मौज है। क्या है? गहरी सांस ले, कड़मा तुम्हें घबराहट हो रही है, जैसे घबराहट बीच में हुई थी। ठीक है, अब तुझे हुआ क्या था जो तू डॉक्टर के पास गई थी? उस साल में हेल्थ चेकअप होता है, इन्होंने बोला करा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो फिर उन्होंने टीएमटी किया, टीएमटी में प्रॉब्लम आ गई, फिर ईको किया, फिर एंजियोग्राफी किया। मैंने क्या प्रॉब्लम आ गई टीएमटी में? टीएमटी में कहते हैं कि आपका हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम आई है आपको, तो आपको ईको कराना पड़ेगा। तो ईको करा फिर उन्होंने, तो डॉक्टर इनको अकेले में ले गया, कह रहे इनको तो अटैक पड़ा है। तो मैंने मुझे कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो अटैक जबरदस्ती आ गया मुझे, क्या अटैक आएगा? मुझे दर्द तो होना चाहिए ना, दर्द तो हुआ नहीं था मुझे। तो ऐसे ही मैंने कहा छोड़ो परे, मैं आदमी को ढूंढ रहे हैं, ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए, ठीक है, और तुम्हें उसके पैसे मिल जाए। 10 दिन तुम्हें एडमिट करेंगे, जबरदस्ती तुम्हारे छल्ले डालेंगे और बस 5-7 लाख रुपए लिखेंगे और उनसे ले लेंगे जो फूफा बैठे हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है। इनके मजे आ रहे हैं डॉक्टरों के, बढ़िया मोटा पैसा आ रहा है बिना बात के। अब झूठ बोलो, फ्रॉड करो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं है जो आके ये पूछ ले कि भाई तू ये काम कर क्या है रहा, क्या बेस है तेरा, आधार क्या है। इसलिए सारे सरकारी हॉस्पिटल होनी चाहिए और इनकी सबकी 50-50 हजार रुपए सैलरी होनी चाहिए, ताकि लोग अपने बच्चों को एमबीबीएस बनाना ही छोड़ दें, ठीक है। रोगियों को सदा से जो ठीक करता है वो फ्री में ठीक करता है, मुफ्त में ठीक करता है, सदा से। अगर उसने कोई छोटा मोटा चार्ज लिया भी है तो वो केवल आपको कोई सुविधा देने के लिए ही लिया है, आया समझ में? रोगियों को ऐसे मुफ्त में ठीक करता है। फिर ये कौन है? फिर ये कौन है जो भारतीय परंपरा को तोड़ रहे? ये कौन है जो तरक्की परंपरा को तोड़ रहे? ये कौन है जो हमारे महर्षियों की परंपरा को तोड़ रहे? ये है सफेद कपड़ों में काले अंग्रेज। अंग्रेज मैं काले ने कहा था, या काले अंग्रेज छोड़ के जाऊंगा, काले अंग्रेज। ये सफेद कोट पहनते हैं, काले अंग्रेज है। इनका दिल भी काला, इनका मन भी काला।
इनका हृदय भी काला, ये कोई भारतीय नहीं हो सकते जो इस तरह लोगों की चीर फार करते हैं जबरदस्ती। अरे मैं भी ऐसे ही हुए होंगे, रोजाना कितने झूठे केस पकड़ता हूँ मैं इन डॉक्टरों के, कितने झूठे केस पकड़ता हूँ। तू बता तो रही है क्या व्यवहार किया तेरे साथ, क्या व्यवहार किया? और तू थोड़ी सी बोल जाती तेरे को धक्के दे के बाहर निकालते। और सुन, मैंने बोला था तभी तो बोला कि दोनों को निकालो यहाँ से बाहर। हाँ, और तू थोड़ी सी बोल जा धक्के दे के बाहर निकालते तुझे, और किसी सरकार का वो नहीं है, कानून ऐसा बना दिया सरकार ने, इनको राजा बना के बैठा दिया, कानून ऐसा बना दिया इनको राजा बना के बैठा दिया, इनको कहो भी मत कुछ, जाएंगे तुम्हें काटेंगे, पैसे लेंगे तुम्हारे, चिकित्सा और शिक्षा ये दो ही चीजें हिंदुस्तान को खा रही हैं। जिस दिन ये दोनों बदल की जड़ से, उस दिन हिंदुस्तान का भला हो जाएगा, तभी ये हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र के लिए दो चीज खत्म हो गई है, आगे नहीं, ये हिंदुस्तान भी नहीं है, ये उस भारत का देश नहीं है जिसको भारत देश बोलते थे। उस भारत के देश में चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त थी और अच्छी वाली थी, आगे ना समझ में। सरकार को चाहिए हॉस्पिटलों से मोटा मोटा पैसा, सरकार को चाहिए इनसे मोटा मोटा वो, इसलिए इनकी चिकित्सा दे नहीं पा रही है सरकार, ना शिक्षा दे पा रही है, स्कूलों से पैसा वसूल करते हैं, बहुत सारे नेताओं के घर में इनका पैसा जाता है, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है, जो बोलेगा वो तो गधा है, मूर्ख है वो, आया समझ में। शुक्र कर तेरे को धक्के मार के बाहर ना निकाला, ना तो इन चौधरियों का चौधरी है ना। फिर दोनों डॉक्टर जो सर्जन था वो तो बहुत बुरा बिहेव किया था मेरे का। क्या बोला? कह रहा निकालो इसको यहाँ से, दूसरा वाला भी इनको आया, कह रहा नहीं मैडम आपको तो, मैं ना बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो बात को, अटैक पड़ा तो मुझे, मुझको तो पता होना चाहिए, आपको मेरे शरीर का पता है क्या, दर्द मुझे होना चाहिए ना, आपको कैसे पता है मेरे को दर्द मुझे होना चाहिए, अटैक पड़ा बोला बाबा आप डॉक्टर तीन बार बोल दिया आपने, चौथी बार मत बोलना मुझे आप, अटैक पड़ा मैंने बोला, मैंने कहा आपने बोल कैसे दिया अटैक पड़ गया, अटैक पड़ा था मैं हॉस्पिटल पहुंचती ना, जब मुझे कुछ हुआ नहीं तो मैं क्यों आऊंगी हॉस्पिटल, जबरदस्ती है क्या? कमाल की बात है भाई, जबरदस्ती अटैक पड़ा, जबरदस्ती एडमिट करो, जबरदस्ती छल्ले डालो, तुम मान लेते हैं, पर एक तरफ पति को ले जाके कान में डॉक्टर कह रहा घबराने की बात है मर जाएगी जल्दी करवा ले, एक तरफ कान में ले जाके ये कह रहा पत्नी को पता भी नहीं है उसको अटैक पड़ा दर्द हुआ, क्या शिकार ढूंढ रहे हैं डॉक्टर, सफेद कोट के भेड़िया आपको देखने को मिलेंगे अभी अभी, और भेड़िया बनने जा रहे हैं, और भेड़िया बनने जा रहे हैं, और मानव सेवा धर्म नहीं रहा है, मानव सेवा परमो धर्मा ये नहीं है, अब तो ये है मानव काटो परमो धर्मा, परम धर्म यही है कि मानव को काट लो जितना काट सकते हो, पैसे से शरीर से अपने वे कर लो इजाद, क्या पता तुम क्या पालोगे, क्या पता तुम क्या इजाद कर दोगे, क्या पता क्या खोज हो जाए, शरीर को काट के देख लो, क्या पता तुम नया मानव बना पाओ, कमाल की बात। जय शनिदेव, जरा सा भी दर्द कोई कष्ट महसूस हो रहा है इस टाइम, बोले शनिदेव महाराज की, भगवान का नाम लो, शनिदेव महाराज की शक्ल दिखा दे उस डॉक्टर को, बोला डर जा घबरा जा मान जा ठीक है, आज के बाद कोई वो काम मत करियो धर्मी का, नहीं तो मारा जाएगा खाम खाम है, ये ईश्वर है छोड़ता नहीं, शनिदेव महाराज है न्याय करता है, ठीक है कभी पता चले कलयुग में तेरी लंगोटी गीली कर दी, भागता फिरे तेरा वंशी गति ना पाए, जिनके लिए तू कमा रहा है जोड़ रहा है ऐसे अपराध कर रहा है अपराधी, तेरे काले पड़ जाएंगे चेहरे, चलो।